पंजाबी के इतने बड़े फिल्में बड़ी बनने लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से, तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी एक जिम्मेवारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप कभी आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। सो सारी टीम 3 दिन से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि बाजी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप आओ कि फिल्म पैन इंडिया लेके जाए, तो बहुत एफर्ट किया। किसी को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं, सबने अपने आप को मैंने कहा कि इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो ये तो वैगी भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है, शर्मा जी ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मैं मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है यार, पे मेरे पीछे पड़ते अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैं पहले चेक कर लेता। कपिल मतलब मैं एक ही चीज जानता हूँ इस फिल्म के बारे में कि कुगी बाजी फिल्म का एक वो स्तंभ रहते हैं जिस फिल्म में होते हैं कि इनकी इनपुट्स बहुत रहती हैं, और जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट को सबसे बेस्ट कॉमेडियन, और कुगी बाजी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़े कॉमेडियन होस्ट और जहाँ भी जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो बाजी अगर आप माइक संभालें थोड़ी देर। अच्छा इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी, वो खुद फ्री होना चाह रहा था, मुझे लगा इतना अच्छा हूँ नहीं मैं जितना बोल दिया इसने, तो ये माइक मेरे पे आ रहा था। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं, तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी का। तो आज जो हमें आप अहमियत जो मोहब्बत जो खलूस आप दे रहे हैं ये हमें हमेशा याद रहेगा, और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा एक जबान नहीं होती, सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है,
हिंदुस्तान में देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी है, आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं है। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ दो बातें करूं, मैं मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सबकी तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तह में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया, मैं वास्तव में आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी, मनमोहन जी जो सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक ये सारी सिनेमाटोग्राफी की है सर मन जी ने, हाँ जी, तो मन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी, तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया, लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद मुझे लगता है हम लोग कम से कम, नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे लिए। और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का, क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बनके पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई और इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का, लोगों को लगता था कि ये शायद बफूनरी करने वाले लोग होते हैं, शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको, शायद ये लस्सी मांगते हैं, सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं, लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है, छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सो कपिल तुम्हारा भी यहाँ आना आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य, हमारा बहुत, हम इस चीज़ पे फख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया कि ये लोग सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी सिनेमा आज हम जहाँ जुहू में ट्रेलर उसका लॉन्च कर रहे हैं, आप देखिए कि पंजाब का कॉन्ट्रीब्यूशन, आप शुरू हो जाइए बलराज सानी साहब से, अमजद खान साहब की बात कर लीजिए, दिलीप साहब की बात कर लीजिए, ये पूरी कपूर फैमिली की बात कर लीजिए, धर्म जी की बात कर लीजिए, सुनील दत्त साहब की बात कर लीजिए, आप अजय देवगन साहब की फैमिली की बात कर लीजिए, पता नहीं कितने मतलब प्राण साहब की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश साहब की बात कर लीजिए आप, तो इतने, हाँ जी खन्ना साहब, अक्षय भाई, वे सबका जो बैकग्राउंड है, पंजाब से लोग आते हैं लेकिन पंजाबी सिनेमा पीछे रह रहा था हमारा, उसका एक रीजन ये है कि पंजाबी के लोग जो पंजाबी बोलने वाले हैं पंजाब के, वो हिंदी को भी उतनी अच्छे से समझते हैं, प्यार करते हैं कि उनको कभी लगा नहीं कि ये सिनेमा हमारा नहीं है, तो हिंदी को ही प्यार करते रहे वो, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सिनेमा है हमारा, लेकिन रीजनल सिनेमा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा था। तो आज एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं गिप्पी गरेवाल को भी देना चाहूंगा कि गिप्पी ने आज एक नया आयाम दिया है पंजाबी सिनेमा को, कि हम लोग आज जहाँ इसको शूट करने के लिए कभी कैनेडा, कभी यूके और डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लॉन्च देना पंजाबी, ये पंजाबी पिक्चर का लॉन्च नहीं है, पंजाबी सिनेमा का एक इंटरनेशनल लॉन्च है, और वाकई पिक्चर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे खूबसूरत जो हमारी हीरोइन अभी पंजाबी सिनेमा की जो सबसे ज्यादा और सबसे खूबसूरत भी नहीं है, खूबसूरत काम भी कर रही है, तो आपको कैसे पता मैं आपकी बातें करने वाला, अभी मैंने शुरू किया तो फिर आप ही की तो बात हो सकती है ना, और किसकी हो सकती है ना। सोनम बाजवा हमारी बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट पंजाबी की, और अब तो
कविता जी ने हमारे साथ इतना काम कर लिया पंजाबी पिक्चरों में, इनके हस्बैंड आए साथ में, वो बता रहे थे कहते सारियां गालियां मैंने पंजाबी च कट दी है, मतलब सारी गालियां पंजाबी में देती हैं घर में उनको। तो इन्होंने भी कमाल का काम किया। और मैं अगर हमारे सबसे सीनियर जसविंदर भल्ला जी, तो ये पंजाबी कैसेट्स आते थे हमारे छोटे छोटे, और ये कैसेट से इनका रादर दूरदर्शन से शुरू करके इन्होंने कैसेट कल्चर से आगे फिर टीवी और उसके बाद फिल्मों में पंजाबी कॉमेडी को एक ऐसा मकाम दिया है कि हम भी इनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँचे। और अगर इधर बात करूँ बीनू ढिल्लो साहब, ये मतलब इन बहुत बड़ी एज में पंजाबी पिक्चरों में आए और उसके बाद ऐसे छोटे होते कि हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं, पर बहुत गंदी बात है सर ये। वैसे जैसे अभी बताया राजीव ने कि ये पहले कभी हीरो की बगल में खड़े होते थे, आज ये पंजाबी कॉमेडी फिल्मों के हीरो हैं, हीरो को कई बार बोलते हैं चल बेटे बगल में हट जरा। तो बीनू का भी कोई, इनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो इधर ये सबसे शैतान आदमी है, देखने में आपको बड़ा शरीफ लगता होगा। पंजाबी कॉमेडी को अगर किसी ने डायलॉग में एक इज्जत दिलवाई है, वरना क्या होता था कि कुछ भी बोल दो वो कॉमेडी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मकाम इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट राइटिंग को दिया है। नरेश कथूरिया कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट लिख के इन्होंने एक सबके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था कि इसके बाद अब क्या लिखा जाए, और इन्होंने अपने चैलेंजेस को खुद ही बाद में एक्सेप्ट किया। और कैरी ऑन जट्टा टू और थ्री और भी बहुत पिक्चर हैं, लेकिन आज कैरी ऑन जट्टा की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे इधर जानी साहब, जितने बड़े गाने आप आज सुन रहे हैं, जानी को अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो फिर तो मतलब ये इनकी कला का अपमान है, क्योंकि इस दौर में पंजाबी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा लिख रहा है, मीनिंगफुल लिख रहा है आज के दिन में, तो वो जानी है। और सानी साहब, जानी के साथ सानी, इनका कोई सानी नहीं है। तो ये हमारे पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि मेकिंग तब तक सफल नहीं है, तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो ऑडियंस तक सही से पहुंचे ना। तो सानी साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक नया सिलसिला पंजाब में चलाया, इन्होंने हमें सिखाया कि पिक्चर बना के लोगों तक लेके कैसे जाते हैं, और आज तक भी इनके लेवल तक कोई पंजाब में पहुंच नहीं सका। सानी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना साथ दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, बैकबोन होती है सिनेमा की। अमरदीप जी हमारे साथी पिक्चर के, ये हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमारे साथ में रहे ये, और राजीव को आप जानते हैं, और लास्ट में कैप्टन ऑफ द शिप ये मेरा भाई भी है। मैं सच्ची बोलता हूँ, इतने शरीफ आदमी और इतने मेहनती आदमी, इनके लिए कई बार मेरी आंखों में पानी आ जाता है। सबसे मैं सही बोल रहा हूँ, मैं इतना खराब दौर देखा इसी शहर में, मैं बात बता दूं मेरा दिल करता है। मतलब हमारे इंडस्ट्री का आमिर साहब ये सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर कॉमेडी में एक ही है हमारे पास, सबसे नहीं मैं कहूंगा टैलेंटेड, कॉमेडी में डायरेक्टर ही एक है हमारे पास। तो कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो लोग एक एक साल इनका वेट करते हैं कि इनके पास अगर टाइम हो तो इनके साथ ही बनाएंगे। लेकिन आमिर साहब एक वक्त था, ये मेरा भाई उस दौर से भी गुजरा है, पिक्चरें बनाने एक पिक्चर सबसे हिट बनाने के बाद भी जोगेश्वरी स्टेशन के बाहर इनको एक छोटी सी वड़ा पाव की दुकान भी खोलनी पड़ी, उसका नाम था छोटी बाइट्स। उस दौर से निकल के बंदे ने जैसे बाउंस बैक किया, ये सिर्फ मेकिंग का एग्जांपल नहीं है, बाउंस बैक करने का भी एग्जांपल है। स्मीत का ये प्राउड ऑफ स्मीत का, हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर, तो इतनी सक्सेसफुल पिक्चरें इन्होंने दी हैं। तो मेरी ये टीम है, मुझे मेरी ये फैमिली, मुझे इन पे बहुत फख्र होता है। तो आज आप सब ने हमारा जो साथ दिया, फिर से मैं कहूँगा कि आमिर साहब के आने से हम और बड़े हो गए। तो ट्रेलर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर हमारे लिए दो अच्छी बातें आप कर देना। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और पंजाबी सिनेमा देश की पहचान बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। की धरोहर है, हम सब मानते हैं जितने भी लोग इस वक्त इस सिनेमा घर में बैठे हैं कि ये वाकई में हिंदुस्तान का एसेट है, धरोहर है। व्हाट वाज हिज रिएक्शन कि आप आइए और ट्रेलर लॉन्च करिए, क्या कहा? जैसे मैंने कहा कि जल्दी राजी नहीं होते हर चीज की। अच्छा, क्या ये फॉल्स चीजें बता रहा है मेरे पास? एक्चुअली मैं जनरली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीयर वालों को, कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए, हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे।
विनोद जी मुझे बोलते कि वे सर आएंगे, मैं क्या हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, मैं क्या उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है, मतलब सीरियसली मैं बताऊं, मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पे था मैक्सिको, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल, मैं क्या हाँ जी भाजी, तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है, मैं क्या भाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है, इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे, और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि भाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि शायद क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और पंजाब आते हैं जब हमारे घर आते हैं वहां बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है पिक्चरों में, बहुत सी चीजें सीखी हैं, और सबसे ज्यादा जो चीजें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा, इनको जब मिलता हूँ इनसे बात करता हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि जिंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए, क्योंकि स्टार जैसे कुकी भाजी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी जिंदगी में कोई बंदा नहीं देखा। और सर वैसे गिप्पी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था, आमिर भाई की बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के But I have to say that Gippy is like family, वो परिवार की तरह है, तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार मैं कब आना है। आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मैंने ना कैरी ऑन चट्टा 1 देखी ना 2 देखी, लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फॉरन ट्रेलर जो फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ मैंने उसको पता है नाउ आई नो कि 1 और 2 क्यों इतनी हिट हुई, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस यू नो 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में, इट वाज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म, तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटेम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें, और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूंगा कि प्लीज ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको, दिस इज अ सुपर हिट सीरीज एंड आई थिंक दैट इट इज टाइम फॉर पंजाबी सिनेमा टू गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पंजाबी सिनेमा। हेलो जी, आपसे मेरा सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सर रियली इतने हम्बल हैं जैसे इन्होंने बताया, गिप्पी जी ने इनसे मुतासर होकर उन्होंने अपनी म्यूजिक कंपनी का नाम भी हम्बल म्यूजिक रखा है। सर जब कैरी ऑन जट्टा 2 आई तो उसने जहां तक मेरी जानकारी है जी दिल्ली पंजाब से ज्यादा दिल्ली में बिजनेस किया जी, क्या आपको लगता है कि सबटाइटल तो आप दे रहे हैं कि हिंदी में भी डब करना चाहते हैं, लोग तो जानते ही हैं आपको हर जगह, नहीं ऐसे है कि हाँ बट अभी कोई प्लान नहीं है, सो फिलहाल हम इसको पैन इंडिया विद सबटाइटल ही रिलीज कर रहे हैं, तो बाद में देखेंगे कि इसको डब करना है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी बाजी से बात कर रहा था, मैं क्या मैंने कैरी ऑन जट्टा 2 शायद नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखी, वो थोड़ी सी देखी मैंने तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मतलब वो हमने डब नहीं की थी, तो मतलब वहां पे जैसे यहाँ डब होती है फिल्में तो वो सारे पंचेस ही चेंज हो गए, तो मैंने नरेश जी को बोला हुआ है कि इसको प्रॉपरली आप हिंदी में सेट करो कि सारे आर्टिस्ट हम खुद ही इसी को इसको हिंदी में बाद में डब कर लेंगे फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म राइट नाउ, अदरवाइज नहीं अभी सिनेमा में कोई लेकिन अच्छी होनी चाहिए जैसे हाँ। जैसे आपके मन की हाँ। हो जैसे राइटर के मन की हो बिल्कुल डबिंग से रीच बढ़ जाती है क्योंकि अदरवाइज तो नहीं तो जो 2 आप अगर हिंदी में देखना चाहते हो वहां पे मत देखना वो रीच घट जाएगी हाँ वो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना हाँ डबिंग सही हो और सबटाइटल सही होना चाहिए। कपिल साहब गुड टू सी यू, आप भी एकदम हमारे लिए सरप्राइज थे, मैं तो इल्म नहीं था, पहले तो लोग आमिर साहब के लिए नहीं मानते थे फिर अचानक आप भी आ गए, क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में और क्या आपने ये बाकी की सीरीज फ्रेंचाइजी रही है बाकी की 2 फिल्में देखी हैं कैरी ऑन 1 2। मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च हो रहे हैं, सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी से। अरे मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कपिल के बारे में, मैं एक्चुअली उसको 2-3 दिन पहले फ़ोन करके मैंने उसको बोला, 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ फैमिली के साथ ज़्यादा हूँ, तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है देखना, तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले, तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ इनका, तो मैं मतलब आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब हुआ है, तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है
तो इतना हंसा हूँ मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूँ. तो मैंने कुछ एक दो हफ्ते पहले मैंने फोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना. So I'm so happy to see you here and I'm one of your biggest fans, Kapil. Thank you, Amir भाई. और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया ये यार, ये गलत बात है. इससे पहले कि वो मुझे नहीं बोलते भाई, आप आए से एक कदम आगे हूँ मैं. हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे. और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई, हमेशा भीड़ भाड़ में हुई, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को, तो बोलते ठीक है मैं भी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं, कट सीधा 3 साल बाद मिलते हैं. सो आप आएंगे तो भाई मैं 100% आऊंगा. लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं? नहीं, उसके लिए मुझे टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है. और कुकी पाजी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग ट्विटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है. फल्ला साहब इनको हम लोग सुनते रहे ऑडियो कैसेट और ये सब. और किपी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है. जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है. और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं. और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने किपी पाजी ने यहाँ पे प्रीमियर रखा था, तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी, पहली बार आपको याद होगा समीप जी. और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया और अभी ये इस फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट जो है आ रहा है. और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को, ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद, जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा, जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाते, फॉर एग्जांपल जैसे आरआरआर अगर ऑस्कर में जाती है, तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है. सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है. हमारे देश में तो ऊपर वाले का इतना हाथ है, सो इतना टैलेंट है. और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए. और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए. और बाकी बस बाकी आप लोगों के हाथ में है. आपसे ये सवाल है कि एक टाइम था बॉलीवुड के बड़े बड़े जाने माने स्टार जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने पंजाबी फिल्म की थी उस टाइम की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आई थिंक नानक नाम जहाज है. और उसके बाद धर्मेंद्र साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी पंजाबी फिल्म की. लेकिन उसके बाद बॉलीवुड के जाने माने ना ए लिस्टर्स, बिग स्टार्स, हम उनको पंजाबी सिनेमा में ना तो देखते और हेडलाइन तो डेफिनेटली नहीं करते. व्हाट डू यू थिंक सो, क्या रीज़न है और वुड यू लाइक टू स्टार्ट दिस ट्रेंड अगेन? एक्चुअली या अमीन, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए और अगर वो एक दूसरे भाषा में है बट आई रियली लव इट, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा. मैं आई थिंक वो टाइम पे जो स्टार्स थे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी, जैसे यूसुफ साहब है वो पंजाबी बोलते थे, यू नो राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना. आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाबी इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, बट आई वुड लव टू डू इट. अगर मुझे कभी मौका मिले आप कभी बताना. मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कि अगर कुछ हुआ आप कोई अच्छी सी कॉमेडी लिखिए मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है. हाँ, इनसे पूछे अंदाजा था अच्छी की मैंने. इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर कोई रोल होगा मुझे बताना. कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट, बट हमने कोई चीज होगी ऐसी कि इनको लेके आना तो तब आएंगे. हाँ, जरूर जरूर मैं करना चाहूंगा. समीप पाजी जो मेरे लिए आपने बोला था वो फिर कैंसिल अभी. आपसे भी एक सवाल है जी. ये जो कैरी ऑन जो एक थीम है इसकी जी, ना एक जो मैड कैप कॉमेडी के एक एंसेंबल क्रॉस्ट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. एक बहुत पहले 50 से एक ब्रिटिश फ्रेंचाइज थी कैरी ऑन फ्रेंचाइज जी, वहां से कुछ थोड़ा यू नो बेसिक इंस्पिरेशन आया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सच बोलूं तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो जिस फ्रेंचाइजी की आप बात कर रहे हो हमें तो पता ही नहीं था कुछ.
हमने वैसे भी वो चीजें देखी नहीं थी, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने समीपा जी की एक फिल्म देखी थी, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी चक दे फटे, तो उसमें कोकीपा जी भी थे, पल्ला साहब भी थे, वह मेरे को छोड़ के बाकी के सही, और बिनू जी भी नहीं थे, बिनू जी नहीं थे। तो ये मेरे पास आए, कहते मैंने एक फिल्म बनाई है, मैंने आपको एक कहानी सुनानी है, आप सुनिए। तो मैं, मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगी, मैंने मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। तो इन्होंने बोला कि कल मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, तो प्लीज आप वो देख के आना। तो बाय चांस मैं फ्री था शाम को, तो मुझे लगा कि यार क्या करेंगे, कोई फिल्म देख के आते हैं। तो ये फिल्म लगी थी, तो मैंने उनको बताया भी कि मैं फिल्म देखने गया, मेरे हम चार लोग थे। तो जब हम सिनेमा में एंटर किए तो हम चार ही लोग थे बस, तो फ्राइडे का डे था वो, फर्स्ट डे, तो चार ही लोग बैठे। तो मेरे साथ वाले बोले कि यार पागल है कि ये क्या फिल्म देखेंगे, चलते हैं, पूरे थिएटर में चार लोग हैं खाली। तो मैंने उनको बोला कि यार वो आया था बंदा कि चलो ऐसे करते हैं 15-20 मिनट की फिल्म देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। कहते यार क्या अच्छी होगी, कोई आया नहीं। आप बिलीव करना, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो फिल्म कब खत्म हुई। हम चार लोग थे, हम कुर्सियों से गिर पड़े, इतना हंसे। तो मैंने इनको ढूंढा, बट वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ये गायब हो गए, ये मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए, ये थोड़े डिप्रेशन में चले गए, फोन बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने पता नहीं कितना टाइम इनको ढूंढा। मुझे याद है कि मैं एक शूट करने के लिए थाईलैंड गया हुआ था, तो वहां पे जाके मुझे किसी ने इनसे कनेक्ट कराया। तब मैंने इनको बोला कि भाजी फिल्म करनी है, आप कहाँ पे हो, आओ। तब जाके कैरी ऑन जट्टा बनी, बनी भी बड़ी मुश्किल से। मैंने इनसे सिर्फ कहानी ली थी, कुकी भाजी ने कन्विंस किया कि इसी से डायरेक्ट कराओ, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो फाइनली आज देखो पार्ट 3 बन रहा है। रवि जैन फ्रॉम यूपी। हाय, सिनेमा को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं आप, हमेशा से रीजनल सिनेमा की बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने किसी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है, और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या आप अनाउंस करना चाहेंगे, अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? देखिए एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन जट्टा की बात करनी चाहिए, तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है, इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ, और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है अभी। जब मैं इमोशनली रेडी रहूँगा फिल्म के लिए तो मैं करूँगा जरूर, मतलब थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताऊंगा। लुक कुछ नहीं, मंगल पांडे याद नहीं, वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ, मुझे कर देता हूँ, कुछ नहीं लग रहा जी। होगी भाई नहीं, उनको था कि पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है, मुझे मुझे जान के ऐसे करके रखते हैं, बुरा है ना, वो फील लेके आते हैं। हाय अमित, दिस इज कोमल पांजा फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। हाय, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, इट्स रियली नाइस टू सी यू हियर फॉर दिस इवेंट। बिफोर दिस यू वर आल्सो देयर फॉर अ बुक लॉन्च अ कपल ऑफ मंथ्स अगो। यू नो, सिंस वी सी यू सो मच इन सोशल इवेंट्स नाउ, वी स्टिल मिस यू ऑन सोशल मीडिया with the kind of, you know, you used to share a lot on social media too. But now, with the way social media is changing, do you think you left social media at the right time and you are now spending more time in public, in so, like, in such events? नहीं, इतना सब नहीं सोचा मैंने। Actually, मैं social media पे जब था, वो नाम का था, I used to hardly post. तो, you know, I was never really active on social media. It's not, I think it's a wonderful thing by the way, but it's just not for me, so yeah. But since you left social media, things have also changed, the kind of hate that we receive. I don't know, I have no idea, I'm not on social media. मुझे आइडिया नहीं है, माँ कसम। अब हम दो और क्वेश्चन लेते हैं, और अगर कोशिश कीजिए कि फिल्म के बारे में हम बात कर पाए। हाई, माय क्वेश्चन इज टू ऑल द पंजाबी आर्टिस्ट। अक्सर हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, पहले एज अ साउथ इंडियन ये शिकायत कहीं ना कहीं मेरे में थी कि यू नो कई बार साउथ इंडियंस को टाइपकास्ट किया गया है बॉलीवुड फिल्मों में। अभी ऑफ लेट ये शिकायत पंजाबियों के बारे में भी है कि पंजाबी कम्युनिटी को काफ़ी ज़रा, अमित गुप्ता जी ने भी बहुत सही बात कही थी कि यू नो अक्सर यू नो उनको एक जोकरों की तरह दिखाया जाता है। तो
आपको क्या लगता है कि कहीं आपके फिल्मों के थ्रू क्या बदलाव लाया जा सकता है, एटलीस्ट अबाउट द कम्युनिटी? कोई भी आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे मैं फिर मेरे जबान पे वही नाम आ जाता है, जैसे जब आप थ्री इडियट जैसी पिक्चर देखते हैं, दंगल देखते हैं, तो इससे देश का अगर माइंडसेट बदला जा सकता है, माइंडसेट बदला जा सकता है, तो एक गलत बनी हुई इमेज क्यों नहीं चेंज की जा सकती? तो हम लोग वही कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो कॉमेडी आप देख रहे हैं ना, ये कॉमेडी है, ये लोगों को हंसाने के लिए होती है। इसमें हम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, मैं आपको दावा करूं कि हम लोग ऐसा रियल पंजाब इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग एक सीरियस एफर्ट दिखा रहे हैं आपको कि सिंसेरिटी और मेहनत से जब काम किया जाता है। तो सबसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जिससे आपको लगे कि हाँ हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया और चीजें चेंज हुई हैं। हम लोग जब लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट सीजन में हम लोग आते थे ना, तो जब मैं पगड़ी बांधता था वहां पे, तो सारा क्रू जो हैरान होता था कि आप पहले कपड़ा खोल लेते हैं, फिर इसको ऐसे पोनी करते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं। तो लोगों के दिमाग में था कि ये बनी बनाई आती है, उठाते हैं और ऐसे रखते हैं। तो हमने सबसे पहले बॉलीवुड को पगड़ी बांधना सिखाया कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है। पहले रेडीमेड पगड़ियां यहां बनती थी तो बहुत फूहड़ लगता था वो सब, और अब लाल सिंह चड्ढा में जो पगड़ी आमिर साहब ने बांधी है, और रॉकेट सिंह में जो रणवीर ने जो बांधी थी, तो आप देखिए ना, जो अक्षय भाई ने जी करता भी जी करता, आपको खुद को पता चल जाएगा कि पगड़ी का क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने पगड़ी से ये चेंज करना शुरू किया है, सब कुछ चेंज करेंगे, बताएंगे असल में पंजाब क्या है, असल में पंजाबी क्या है। तो इसमें क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, क्योंकि प्रेशर तो होगा ही। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये कैरी ऑन जट्टा जो फिल्म है, मतलब मुझे लगता है कि जो इसकी हार्डकोर फैन बेल्ट है वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि हम खूब हंसे, एंटरटेनमेंट होना चाहिए इसमें बहुत। तो मतलब हम जब बैठते थे, कश्मीर जी ने मुझे बोला था कि कोई भी सीन शूट करना है ना, तो सीन शूट करने से पहले मुझे पूरी स्टार का, जबकि पूरी रीडिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तब भी मुझे 3 से 3.5 घंटे चाहिए हर सीन में कि मेरे साथ पूरी कास्ट बैठ के वहां पे डिस्कस करें कि सीन को और बेटर कैसे किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है कि आप पूरी फिल्म नहीं देखते हो ना, आपको सिर्फ एक ही सीन दे देते हैं, वो इन बिटवीन कोई भी सीन है, आप उसमें भी बहुत हंसोगे। सो बेसिकली हमारा इसी पे एफर्ट लगा हुआ था कि आप खूब हंसो, और फिल्म ऐसे ना हो कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी भी लाउड ना हो। तो वो एफर्ट हमने किया, और मुझे लगता है कि बाकी तो यही है कि हर बार जब 2012 में बनी थी तो तब एक अलग स्केल पे बनी थी, जब 18 आया तो बड़ी बनी फिल्म, तो अब हमने वापस बनाई है तीसरी, तो बहुत हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छी बने, विजुअली अच्छी हो, लोकेशन अच्छी हो, क्योंकि फिल्म हैप्पी फिल्म है, जब लोकेशन बड़ी हैप्पी हैप्पी होती है तो और बूस्ट होता है वो चीज़। और एक छोटा सा बड़ा चेंज ये भी है, बड़ा चेंज ये भी है कि जितने में हमारी कैरियर जट्टा फर्स्ट बनी थी ना, उतना बजट ट्रेलर लॉन्च में हो रहा है अभी। उसी मंदिर में चिंपी साहब की जे कुड़ी 4 दिन लेवे सेट होने वास्ते, थोड़ी खानदानी होगी तो ये वो, तो मेरे पिताजी ऐसा सोचते हैं कि अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं लड़की सेट होने में, तो इसका मतलब लड़की खानदानी होगी, क्योंकि वैसे तो वो डायलॉग आधा है, आगे इन्होंने क्या बोला है, कहता अगर लड़की ने 4 दिन लिए हैं सेट होने के लिए, इसका मतलब लड़की खानदानी है, क्योंकि तेरी मां ने तो 2 मिनट लिए थे। पूरा ये था वो मेरे काटा ट्रेलर में। आमिर, यूजुअली यू नो पीपल, आई मीन द स्टार्स, व्हेन द फिल्म इज रिलीजिंग, दे प्रेफर गोइंग टू कपिल शो, क्योंकि अंग्रेजी भी बहुत अच्छी होती है। अब तो फिल्म नहीं क्यों रहा है, गिप्पी की फिल्म का सवाल पूछे ना, ये इसी से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, कि लाइक
आपकी अंदाज अपना अपना बहुत हिट हुई और आज भी नहीं नहीं फ्लॉप हुई थी भाई थिएटर में बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी लोगों के दिलों में आज भी है तो आज आपके सामने एक असली कॉमेडियन है और एक असली एक्टर आप खुद हैं तो आपको नहीं लगता कि ये दो लोग मिलकर अगर फिर से एक फिल्म ऐसी बने तो वो भी यादगार साबित होगी लाइक कपिल शर्मा कपिल एंड मी डूइंग अ फिल्म टुगेदर अरे आई वुड लव दैट यार कपिल ये तो बढ़िया हां हां वही मैं पूछ रही थी आई वुड लव दैट आप परफेक्शनिस्ट हैं और वो हम लोग के सबके दिलों के मतलब बादशाह हैं कॉमेडी के लिए मेरे भी दिल के राजा हैं आई वुड लव टू डू थैंक यू वेरी मच और थैंक यू मेरे कहने पे आपने ये सवाल पूछा था बॉम्बे आके ट्रेलर लॉन्च करने का दूसरा एक रीजन ये था कि आमिर सर अगर ये ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो ही हैज अ मिडास टच जिन्होंने पहली 100 करोड़ की फिल्म इंडिया को दी थी तो मुझे लगता है हमारी पहली पंजाबी फिल्म भी 100 करोड़ टच कर सकती है इनके आने से So this is the reason कि हम सब आपके शहर में हैं, so आपका please Pan India सपोर्ट चाहिए होगा इस फिल्म को घर घर में लेने जाने के लिए। Thank you so much.